माँ के घर जाने से पहले माँ के लिए कुछ लेना चाहिए ना फ्रेंड, तो चलिए पहले सामान वगैरह लेते हैं। सामान में बैठ चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा फोन भी हिल रहा है, रबरी सो गया है और आते आते बहुत ही बुरी चीज़ मैंने देखी। ऐसे कहीं जाते जाते ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये देखिए मार्केट प्यारी सी यहाँ पे लगी है, देख लीजिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे मिल रहा था पानी, ठंडा पानी देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे ठंडा पानी मैं पीने लगी हूँ। अभी ठंडा पानी पी रहे थे क्योंकि काफी लाइन दिखा देते हैं आपको। रीटा भी शो के फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बताया था मेहंदी लगा रही हूँ, मैं जाने वाली हूँ अपनी माँ के घर। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्रिया झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली मैं घर से निकल चुकी हूँ और इतनी देर से मैं व्हीकल का वेट कर रही हूँ, कहने का मतलब ऑटो वगैरह का कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत दूर तक मैं पैदल, घर से बहुत दूर तक पैदल आ गई, अभी तक नहीं मिला। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड, रप्रीत सो भी गया है और धूप काफ़ी ज़्यादा है। वैसे रप्रीत मैंने कैप लगा रखा है और बहुत दूर तक पैदल भी आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, घर से तो निकल चुकी हूँ अब बस वगैरह से, ऑटो तो जाती नहीं बस जाती है, ऑटो भी जाती होगी नहीं पता लेकिन बस से जाएंगे हम। अभी ब्लॉग में बने रहिए, इन्जॉयमेंट करते रहिए। पहले तो पहुँचते बस स्टैंड, उसके बाद बस में बैठते, फिर आप लोगों से मिलते। पैदल चल चल के हालत ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली बस में बैठ चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा फोन भी हिल रहा है, रबरी सो गया है और आते आते बहुत ही बुरी चीज़ मैंने देखी। ऐसे कहीं जाते जाते ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, में आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, कहने का मतलब यही है। तो थोड़ा मन दुखी सा हो जाता है ना कुछ मैंने ऐसा देख लिया, अब आप लोग समझ लो क्योंकि बहुत बुरा होता है। तो जा रहे थे कोई बात नहीं, थोड़ी भगवान सबको खुशी दे और कभी दुख ना करे, मतलब दुख सभी की ज़िंदगी में आती है। तो खैर बस में भी बैठ चुकी हूँ, फाइनली मम्मी के घर जाने के लिए मैं बस में बैठ चुकी हूँ, देख लीजिए। और अभी सो भी गया है और कुछ ऐसी कंडीशन पर पसीना एकदम हालत ख़राब हो गई है। हाँ बस रुक गई, अभी बस इसलिए रुक गई क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बैठ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे बाहर का नज़ारा, कुछ ऐसा ये है बस, बस में बैठी हुई हूँ फ्रेंड। माँ के घर जाने से पहले माँ के लिए कुछ लेना चाहिए ना फ्रेंड, तो चलिए पहले सामान वगैरह लेते हैं सब, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। आज तो लग रहा है बाप रे क्या होने वाला, भगवान ईश्वर। चलिए फ्रेंड फाइनली मैं चुकी हूँ प्रसाद की दुकान पर, तो यहाँ पर ले रहे हैं प्रसाद वगैरह जो भी हो, मतलब भगवान जी को चढ़ाने के लिए, मतलब माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले रही हूँ। तो ये है दुकान, तो अभी यहाँ पे ले रहे हैं, जो अंदर चढ़ती है वो आपको बता रहे हैं। कितना ज्यादा भीड़ है देखिए, आंटी धूप बच्ची माचिस तो देंगी ना, धूप बच्ची। चलिए अभी ब्लॉग में बने रही है फ्रेंड, प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। और अप्रीत अभी शो क्यों था सुनना, तो फ्रेंड फाइनली मैं प्रसाद वगैरह लेके, तो यहाँ पे फ्रेंड ये देखिए मार्केट प्यारी सी यहाँ पे लगी है, देख लीजिए आप लोग। और इधर मैं हूँ, देख रहे हो इधर पूरी बहुत ब्यूटीफुल सा मार्केट वगैरह लग रखा है, देख रहे हो आप लोग, वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इधर है माता के दरबार में जाने का रास्ता, यार आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, माता के दरबार में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख लो आप लोग।
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलिए फ्रेंड्स आप बने रहिए, इधर क्या है ये पूरा नजारा देखिए आप लोग। फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन दर्शन करना बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है, बहुत ही ज्यादा। तो अभी यहाँ पे मिल रहा था पानी, ठंडा पानी देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे ठंडा पानी मैं पीने लगी हूँ, अभी ठंडा पानी पी रहे थे क्योंकि काफी लाइन दिखा देते हैं आपको। आप देख रहे हो वहाँ वो लाइन, वहाँ से लेके वो देखिए अंदर तक मंदिर तक लगा है। चलिए ब्लॉग में फ्रेंड्स फाइनली लंबी से लंबी लाइन देख रहे हो आप लोग, वहाँ से बहुत ही दूर तक लगी हुई है। आंटी फोटो नहीं खींच रहे हैं, चल रहे हैं, फोटो थोड़ा ना खींच रहे हैं, माता के मंदिर आए हैं, वीडियो तो बनाएंगे ही, ब्लॉगर हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं फाइनली लंबी सी लाइन लगी, कभी आप लोग इधर देखना पहले की वीडियो यहाँ पे आया तो इतनी लंबी लाइन नहीं, अभी लाइनों में चल रहे हैं। चलिए ब्लॉग में बनी रहिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है रबरीत को लेके, वही वही सुना। चलिए ब्लॉग में बनी रहिए फ्रेंड्स, यात्रा शुरू होती है यहाँ से मेरी माँ के मंदिर में जाने की। चलो बुलावा आ गया, ये देखिए फ्रेंड्स कितना भीड़ है, कितना ज़्यादा भीड़ है देखो आप लोग। ऐसा नजारा है, सारे लोग मत्था टेके, मंदिर के अंदर का वीडियो बनाने नहीं देते हैं इसलिए मैंने नहीं बना पाई। हरी की जय, रफरीत को माला मिल गया, रफरीत ने माला पहना। अभी चलिए फ्रेंड फाइनली माता रानी के माता की दर्शन कर लिए, फाइनली मैं अपने माँ से, रफरीत और मैं और मेरा बेटा अपनी माँ से मिल चुके हैं। आप लोग भी मत्था टेक लीजिए फ्रेंड जल्दी से भगवान जी को। जयकारा 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 शेरा वाली दा, बोलो जयकारा जोर से, बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता, रफरीत बोले जय माता दी, आवाज ना आई जय। तो फाइनली फ्रेंड माता के दर्शन कर लिए, अभी चलते हैं हम अपनी दूसरी माँ के पास। आप लोग भगवान जी का ये यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा, बहुत ही आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे हर लोग मन्नत जो मांगते हो मानते हैं। ये है मंदिर का एंट्री गेट का अंदर है, दिख रहा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जा रही हूँ धूप बत्ती जलाने के लिए। तो पता है मैंने सोचा आप लोगों को प्यारी प्यारी क्लिप्स हैं जो भगवान जी को बाती जलानी ये सब दिखाऊं मैं, तभी रफरीत को ले जाके मैं क्लिप दिखा रही हूँ। और पता है रफरीत ना पलटी भी कर दिया था इसी टाइम पे, तभी मैं बाती जलानी है। तो पता है मैं फोन पकड़ा इधर उधर वो घूम रहा है, पूरा फोन दिख नहीं रहा सही से, बन नहीं हुई मैंने क्लिप देखी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं भगवान जी को धूप जलाने गई हूँ, देख लीजिए। और आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, या मतलब कि मंदिर के अंदर जलाने नहीं देते सारे लोग, सारा जब पूजा वगैरह हो जाता है तो लास्ट में बाहर एक बड़ा सा है, वहाँ पर जाके सारे लोग धूप बत्ती जलाते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्रीत के साथ यहाँ पर बाती जला रही हूँ, देख लीजिए पूजा करें। आप लोग भी भगवान जी को मत्था टेक लो, विश मांग लो
और अप्रीत देख लीजिए कैसे माला वाला पहन के कितना वो खुशी मिल रही है इसको, देख लीजिए फ्रेंड। तो अभी बातें वगैरह जला देते हैं, फिर आप लोगों से जो भी मिलते हैं। और देख लीजिए यहाँ का बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है, और मत्था भी आप लोग टेक लीजिए। यहाँ हर लोग यहीं बाकी धूप आते हैं। अप्रीत को मैंने धूप वगैरह जला दिया, सारा कुछ आप लोगों ने देख ही लिया। यहाँ सारे लोग मत्था टेक रहे हैं, तो चलिए अभी चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड देखिए आज मेरी माँ के दरबार में कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितना ज़्यादा। तो फाइनली मैं और मेरा बेटा अपनी माँ के पास आ चुके हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। और मेरी माँ से मिलने के लिए देखिए कितने सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे लोग। चलिए रप्रीत और मैं, हम दोनों ने अपनी माँ से मिल लिया है और बहुत खुशी मिल रही है। आप लोग भी आइए मेरी माँ से मिलिए आके। फ्रेंड फाइनली मैंने इधर भी भगवान जी को मत्था वगैरह टेक लिया है, अभी चलते हैं बाहर। क्या नाम था, फाइनली मैं अपनी माँ से मिल चुकी हूँ। आप लोगों ने भी मिल लिया है ना मेरी माँ से, बहुत मतलब कि बहुत ही अपनी माँ से मिलने की कितनी सारी तैयारियाँ की थी मैंने, मेहंदी लगाई ये कि वो कि रप्रीत ही मिल के बहुत खुश हो गया। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं अभी अब चलते हैं माँ के घर। आने के बाद खाना भी तो खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं फ्रेंड प्रसाद। अभी माँ के दरबार में आके अभी हम खाएंगे प्रसाद, कहने में खाना खाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे माँ के घर से। खाली बेटी कभी खाली जाती है आप बताओ? माँ के घर जब भी बेटी आती है तो भर के जाती है। तो अभी माँ के दरबार में आई हूँ तो खा पी के खुश होके जाएंगे मैं और मेरा बेटा। चलिए फिर मिलते हैं, हम भी लाइन लगी है माता के यहाँ प्रसाद खाने की। देख लीजिए आप इधर, देखिए वो वहाँ से दूर से लेके इधर तक पूरा लाइन लगा हुआ है, लंबी सी लाइन है। अभी चलिए फिर हम ब्लॉग में बने रहिए, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लग रखी है, बहुत ही लंबी लंबी लाइन। आज संडे का दिन है ना, इसकी वजह से माला वाला पहन के रेडी है ना प्रीत, देख लीजिए भगवान जी कोई नहीं आ रही है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिला है लंगर, तो देख लीजिए हलवा मिला है, सब्जी, कढ़ी, रोटी और चावल। तो अभी हूँ लंगर रूम में लंगर खाने के लिए, तो इतना सारा खाने पीने का जो भी मिला है सब। और इधर ही लंगर हॉल है, देख लीजिए आप लोग। प्रीत जब लंगर खाने का टाइम आया तभी सो गया। चलिए खाते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड फाइनली मैंने लंगर वगैरह भी खा लिया, प्रसाद वगैरह। तो रप्री तो सो ही गया था, उसने कुछ खाया पिया ही नहीं है, तो जमका डोरमेट भी सो रही थी, डोरमेट लगा हुआ ताकि पैर ना जले। और लाइन देखिए कितनी लंबी लगी है, सिर्फ लंगर खाने की लाइन, कहने मतलब प्रसाद खाने की। अब चलते हैं शॉपिंग टाइम फ्रेंड, शॉपिंग टाइम, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, वाओ कितने प्यारे प्यारे चीज, कितना सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स। ये देखिए ये यहाँ पे सारा सामान वगैरह बिक रहा है ना, तो अभी हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, देखते हैं। यहाँ पे आई हूँ चूड़ियाँ वगैरह, देखते हैं कुछ अच्छा अच्छा, और अप्रीत को दिला दूँ कुछ, मैं ले लूँ कुछ सामान वगैरह, सारा सामान वगैरह लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए मैंने रप्रीत के लिए हॉकी और बैट बॉल लिया है, ये देखिए रप्रीत को बहुत शौक है ना ऐसे डंडा मारने का, तो इसलिए मैंने इसके लिए ये लिया छोटू छोटू सा, तो ले लिया फ्रेंड फाइनली मैंने। चलिए बने रही है अभी और भी, देखते रप्रीत के लिए खिलौने वगैरह लेते हैं ना फ्रेंड। फ्रेंड फाइनली निकल चुके हैं, रप्रीत के लिए खाली ली थी और मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब मैं जा रही हूँ घर, चलिए ब्लॉग में बने रही है, इंजॉयमेंट करते रहिए। धूप बहुत ज़्यादा, शाम हो गई, सुबह 10:30 बजे के निकले हैं और अभी बज रहे हैं 3 बजने जा रहे हैं, घर पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएगा। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, बस में बैठते मिलते, और भी बस जा रही है वो भी फ्रेंड। फाइनली बस मिल चुकी है, बस में मैं बैठी हुई हूँ और अप्रीत को देख लीजिए। फाइनली मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही अपनी मम्मा से माँ से मिलते आ चुके हैं। क्या गर्मी की वजह से ना रप्रीत को दूध वगैरह पचन नहीं रहा, इसलिए हमेशा दूध निकाल दिखा दे फ्रेंड आपको बाहर का नजारा। ये है पहाड़ी पहाड़ी सा इलाका जिसमें मेला बेटा, ये देखिए रप्रीत, रप्रीत रप्रीत हेलो, किधर जा रहा है बेटू, ए किधर जा रहा है रप्रीत? देख लीजिए फ्रेंड रप्रीत कितना खुश हो रहा है बस में बैठ के, रप्रीत शोना, देख लिया आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स
बस है, ये देखिए बस में बैठी हुई हूँ। ये बस मैं जा रही हूँ, आई मीन रिटर्न आ रही हूँ, अपनी मम्मा के घर से वापस आ रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपनी मम्मा के घर आ चुकी हूँ, तो बस में हूँ, बस अभी उतरने वाली हूँ। चलिए रफरीत अभी तो जग भी रहा था, तभी सो ही गया था। अभी मैं बस से फाइनली उतर चुकी हूँ। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रही, अब घर पहुँच के आप लोगों से मिलेंगे, नहीं तो अभी बाय बाय बोल दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे ये होने के बाद टाइम बहुत कम मिलता है ना फ्रेंड्स। का शाम का टाइम, आई मीन नाइट का टाइम, और अभी मैं बनाने जा रही थी कद्दू की सब्जी, जो कि आप लोगों का भी किसी ना किसी का फेवरेट होगा, क्योंकि मेरा तो है, और मुझे पता आप लोगों को भी पसंद आएगा। और रफरीत अभी खेल रहा है, और मैं जा रही थी सब्जी बनाने के लिए, कद्दू की सब्जी और रोटी। रोटी की जगह चाहे परोठे बना लूँ, चाहे बना लूँ, क्योंकि इसके साथ रोटी वगैरह ही अच्छा लगता है, चावल साथ तो उतना अच्छा नहीं लगता। अभी रफरीत भी आ चुका है, ये देखिए चाकू हटा लूँ फिर। अभी ये मतलब चॉइस कर रहा है मैं कौन सा कद्दू का मतलब कि वो उठाऊँ, अच्छा बड़ा वाला इसको चाहिए। तभी देख लीजिए फ्रेंड, ऐसी कुछ इसकी हरकतें हैं। और आप लोगों ने, आप लोग भी मत्था वगैरह टेक के लिए हो गए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने आगे क्लिप दिया। और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि प्रिया ने ऐसा बोला, तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ आप लोगों को कि हाँ मैं मत्था टेकने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हो फ्रेंड, और आप लोग भी मत्था टेक लीजिए और ज़रूर यहाँ पर आइएगा मत्था टेकने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और उस टाइम तो और भी अच्छा लग रहा था, तो अभी गर्मी का टाइम है, आप सभी को बताओ संडे के दिन ज़्यादातर भीड़ कहने में ज़्यादा होती है, आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पे एंड करना चाहूँगी। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रफरीत प्रिया 7270, तो जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए अभी फ्रेंड्स खाना वगैरह बनाते हैं, चाकू पकड़ा है। चलिए फ्रेंड अभी खाना वगैरह बनाते हैं, फिर आप लोग इस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। बस प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और रफरीत के लिए प्यार और आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए कूटू के लिए, ये देखिए ये अब नहीं दिखता, गोद में रहता नहीं है ना, ये देखिए चला गया, ऐसे ही करता, अब गोद में नहीं रहता। चलिए बाय बाय सभी को, लव यू ऑल।